जिसका टू सेंटीमीटर डायमीटर है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है टू न्यूटन ओके अभी हम लोग को पूछ रहे कि सिमिलर रोप रोप दैट इज मतलब सेम यंग्स मॉडुलस होगा सेंटीमीटर डायमीटर का है इस टाइम इस पे और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा पूछा है हम लोग को ओके okay? तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम लोग को पता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इधर हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर आप कन्फ्यूज है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है इधर हम लोग को जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया है उसका जस्ट uh, हम लोग uh, क्या देखना उसका uh, जब हम लोग यूनिट जब देखते हैं तब तो हम लोग को पता चलता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज़ नथिंग बट ब्रेकिंग फोर्स अगर कुछ लोग को वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उतना फेमिलियर टर्म नहीं है तो हम लोग को वो यूनिट देखने से हम लोग को पता चल जाएगा इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस इन टू एरिया ब्रेकिंग स्ट्रेस इन टू एरिया है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ओके इट इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इन टू एरिया अभी हम लोग जब सेकेंड केस में जब बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लोग चेंज नहीं किया लेकिन हम लोग एरिया चेंज किया डायमीटर क्या किया हम लोग हाफ किया है तो हम लोग को पता है इट इज़ इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया को हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर नहीं हम लोग को डायमीटर का उसमें चाहिए डायमीटर है तो इट इज इक्वल टू पाई इनटू डी बाई टू द होल स्क्वायर ओके इट इज नथिंग बट ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ऐसे मिलेगा हम लोग को पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर अब हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं डायमीटर को हाफ कर रहे हैं तो हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ विल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ओके सिंस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम लोग हाफ कर रहे तब क्या होगा कि वन बाई फोर टाइम्स होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ न्यू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेकेंड केस का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टू विल बी इक्वल टू हाफ कर रहे हैं हम लोग तो वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई टू स्क्वायर इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट केस दैट इज 1.5 पॉइंट फाइव इंटू रेज टू 1.5 पॉइंट फाइव इंटू रेज टू फाइव न्यूटन इट इज नथिंग बट वन बाई फोर इंटू वन रेज टू फाइव न्यूटन्स ओके ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग को मिलेगा इट इज इक्वल टू जी जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंटू टेन रेज टू फाइव न्यूटन्स ओके जब ऑप्शन हम, हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को मिलेगा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट